राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत के लिए ओपन बेंच जिला न्यायालय में लगाई जाएगी, जहां 61,800 प्रकरण राजीनामे व आपसी समझाइश के जरिए सुलझाए जाएंगे। अजमेर जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने बताया कि 34,000 से अधिक केस विचाराधीन है, तो वहीं 25,000 से अधिक एसपी लिटिगेशन के हैं। इन सभी मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाएगा, जहां आपसी समझाइश एवं राजीनामे के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि परिवारों को सस्ता व सुलभ व जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। उम्मीद है कि इसमें सभी न्यायाधीश के साथ ही अधिवक्ताओं का सहयोग मिलेगा और अधिक से अधिक मामले सुलझाए जा सकेंगे। हमने टोटल केसेज 61,800 समथिंग है वो आइडेंटिफाई करके रेफर किया नेशनल लोक अदालत में, जिसमें से आउट ऑफ 61,853 34,000 एयर नियर अबाउट केसेज आर पेंडिंग केसेज एंड 27,000 केसेज अपील लिटिगेशन केसेज। ऐसे करके 61,000 का आंकड़ा हमने किया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर सब जने आसान भी थे, बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को शीघ्र सस्ता और सुलभ ढंग से न्याय मिले, उनके राजीनामे की भावना उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे, प्रेम भाव बना रहे। इन सबको देखते हुए हमें चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक मुकदमे हम डिस्पोजल करें। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा डिस्पोजल रहेगा और एक आम आदमी को न्याय शीघ्रता शीघ्र मिले, ये हम सुनिश्चित करने की कोशिश करें।